when it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. Dr. Jai Shankar, the Minister of External Affairs minister of India, has come to New York for a national conference. His condition is so tight that he will attack the POK. Now he is thinking when he will do it. And he will definitely do it. He will definitely attack with the grace of the Queen Mother and will take the POK as well. इंडिया जो है उसको पॉमनेंट मेंबर के चक्कर में आया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान जो है वो कहता है कि उसको रोका जाए ये वीडियो जब सीआईए देखेगा मोसाद देखेगा और इनके मामूजान ये पाकिस्तानी देखेंगे

कि भारत भारतरिज्म कर रहा है वैसे ये और बातें में वो पता नहीं हम क्यों गए थे लेकिन ले पे जो है वो नान छोले खाने गए होंगे जिस दिन से उसामा लादेन पाकिस्तान से मिले थे उसके बाद आपको लोग uh, जंगे करके एक इंच तो उनसे ले नहीं सके एक हिस्सा आपका टूट के तो उधर हो गया

वहां पर जनाब साइबर अटैक हुआ वो कह रहे हैं चाइना ने किया है, है। हमारे हिंदी में कहते हैं मैं क्षमा चाहूंगा इस लाइन के लिए मार मार के कुत्ता बना दिया इनका अरे आंखों को इतनी तृप्ति मिली इतना मजा आया हमारे भाई कैसे मार रहे थे और ये पिट कैसे रहे थे आपने देखा पिट कैसे रहे थे नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं और कल यूएन में यूके, फ्रांस और यूएई ने भारत को यू के स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत को सपोर्ट किया लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने फिर एक बार भारत के खिलाफ वोट किया और यही नहीं फिर से हर बार की तरह कश्मीर का राग अलापने लगा लेकिन इस वक्त सामने मौजूद थे हमारे विदेश मंत्री जिन्होंने भिलावल को जवाब दिया और कहा कि देखो कौन सा मुल्क हक और आजादी की बात कर रहा है जहां खुद बड़े बड़े आतंकवादी जैसे कि ओसामा बिन लादेन मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पाए जाते हैं और यूएन के प्रेसिडेंट से जयशंकर जी ने अपील किया कि पाक जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोस्तों कल पाकिस्तान आर्मी पे फिर एक बार टीटीपी ने अटैक किया है और ये अटैक बिल्कुल पुलवामा लाइक अटैक था जिसमें उनके सात से आठ फौजी शहीद हो गए हैं तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं लावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आए हुए हैं यू में और इसके ऊपर डिटेल में बात तो बाद में करेंगे तो सुनने में आया है कि वो भी जो मल्टी है रिफॉर्म्ड मल्टी जिसमें जारी बात है इंडिया जो है उसको पर्मानेट मेंबर के चक्कर में आया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान जो है वो कहता है कि उसको रोका जाए सारी बात है तो ये पाकिस्तान की ये कोशिश कितनी को कारगर हो सकती है क्योंकि ये पाकिस्तान कहता है जी कश्मीर के जैसे रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुए तो अगर उस तरह की जब चीज़ें नहीं हुई तो इंडिया को तो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क नहीं है और इससे पहले आपको पता है ओबामा और बहुत सारे और मुल्क जो है वो इंडिया जा जाकर कह चुके हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे परमानेंट बने सिक्योरिटी काउंसिल तो बिलावल साहब कुछ कर पाएंगे इस वाले से या के बस गुफ्तन वो कहते हैं तेल नहीं है चीमा साहब उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब आने का हो सकता है ये ट्रिप हो के कोई मैंने प्रोटेस्ट करना जाके यूनाइटेड नेशंस लेकिन मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ अपनी पीआर अपने नेटवर्किंग के लिए आते हैं क्योंकि ख्वाब देख रहे हैं टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ, और वो आ, मैंने और, और इस वक्त देर इज नो मैच ऑफ इंडिया पाकिस्तान एप्पल टू ऑरेंजेस है और इस वक्त मुझे ये बताएं जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो है, उनका बंदा है उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पार तो आप आप किस किस खेत की मूली है कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे किन बेसिस पे करेंगे आप आते हैं जहां पैसे मांगने आते हैं आप पाओं में रीते हैं आके जो वो कहते हैं शर्तें आप मानते हैं आप किस मुंह से चीजों को रोकेंगे पॉसिबल ना आपको ढंग की लाभी फरमार कर सकते हैं आप ना आपके पास पैसे हैं ना आपके पास कोई नगेटिव है बेचने के लिए आप दहशत गर्दी बेच बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है और डबल गेम खेल खेल के लोगों के साथ और जिस दिन से इस बिन में लादन पाकिस्तान से मिले थे उसके बाद आपको uh, 25, in, in public, uh, in, in और दूसरी हवा जितनी थोड़ी बहुत थी वो आपके साइफर ने निकाल दी खास साहब ने दुनिया को बताया कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अस यू कैन नॉट ट्रस्ट अस तो इन इस सिलसे में बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा आगे यहाँ पर वो जो डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो स्त्री लगता प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ तो क्या है? तो उसको अपना डायरेक्टर बयान करेंगे इस वक्त आप आपका नंबर वन इशू सिर्फ अकानमी है काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना आते पाकिस्तान कुछ पैसे बच जाते यहाँ आएंगे महंगे होटलों में फिरेंगे महंगी गाड़ियों में फिरेंगे और सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे यहाँ अपने वाल अपनी माँ के चंद दोस्तों को मिलके चले जाएंगे और अंग्रेजी अपनी उसकी एक्सरसाइज कर देंगे अंग्रेजी किस तरह बोलेंगे कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राणा सना साहब उनका लेकिन आज जी हमारे साथ साथ उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर यानी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इना रबानी खर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इना रब्बानी खर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया है कि जी आ पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है और उन्होंने ये भी कहा है इनार अब्बानी खर का ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग दे दी है फ्रेंडली कंट्रीज हमारी मदद करेंगी जिससे कि हम ये साबित करेंगे कि भारत दहशत गर्दी कर रहा है इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी आ, साथ उन्होंने सबूत भी उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद है और वो सबूत हम यूनाइटेड नेशन में देंगे जो कि बिल्कुल देने चाहिए कि भारत टेररिज्म कर रहा है और इसके साथ ही हिना रबानी कर का कहना यह भी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है यानी कि बाकी सारी दुनिया जो है जिससे हम अक्सर मामू बनाते रहते हैं जिसे अक्सर हम मतलब टोपी पहनाते रहते हैं वो हमारा साथ दें और वो ये हमारे साथ साबित करने में हमारा साथ दें कि भारत टेररिज्म कर रहा है वैसे ये और बातें हम थे वो पता नहीं हम क्यों गए थे लेकिन मेरे ख्याल है हम वहाँ पे जो है वो नान छोले खाने गए होंगे या फिर वड़ा पाव खाने गए होंगे लेकिन भारत अभी तक एफ में नहीं गया है मगर दहशत भारत कर रहा है ये बात है बिल्कुल ठीक है नारा पानी कर यानी कि <coughs> सॉरी यहाँ पे सारे टेररिस्ट जो है चाहे वो अः ये हो आपका हाफिज सईद हो चाहे उसामा बिल्लादिन हो चाहे मसूद अजहर हो चाहे दूसरा ये दाऊद इब्राहिम हो या कोई भी दूसरा हो ये सारे निकलेंगे यहाँ से पाकिस्तान से निकलेंगे मेरे ख्याल है पाकिस्तान में शायद घूमने फिरने आते हैं टूरिज्म पर आते हैं लेकिन जो है टेरिज्म जो है वो भारत कर रहा है पाकिस्तान नहीं कर रहा ये कहना है हिना रब्बानी खर साहिबा का और मेरा ख्याल है कि हमें एज अ पाकिस्तानी और यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे उन्हें हमें सिर्फ उनकी इस बात को हाँ करने के अलावा कोई चाह रहा नहीं कि बिल्कुल सही कह रही है लेकिन बात सारी ये कि दुनिया को कौन समझाएगा ये बार बार जो हम लोग एफ में हमारा आना जाना लगा रहता है दो तीन दफा हम पहले ही गए और बाहर आके हमने अलहमदुल्ला भी पढ़ कि वापस हम बाहर ग्रेलिस से निकल गए भारत तो एक बार भी नहीं गया तो आखिर हम करें तो क्या करें हमें ये बता दीजिए कि सारी टेररिज्म जो है वो भारत कर रहा है लेकिन लोग हमें देख रहे हैं मतलब सारे टेररिस्ट निकल हमारे यहां से नहीं रहे हैं। और कर भारत रहे मतलब ये दो दो चीजें है ना ये मतलब राना सनौला साहब और हिना रबानी साहब प्लीज ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि आखिर ये इसको किस तरह से सेट करें ना हम लोग हम यूट्यूबर्स को भी बता दीजिए कि हम कैसे इस बात को सेट करें और कैसे ये सारा का सारा उठा के ना मलबा भारत पे डाल दें तो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सबके सब जो है वो आपको याद ही होगा हेलरी क्लिंटन उसने आके कहा था कि जी आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको ही डसेंगे तो वो तो बैकयार्ड तो हमारा ही बताया था ना कौन सा इंडिया का बैकयार्ड बता दिया था उन्होंने तो उन्होंने यही कहा था कि सांप हम पाल रहे हैं और वो सांप हमने पाले हैं लेकिन कर भारत रहे मतलब कि ये तो चमत्कार हो गया और इस बात के ऊपर मेरा ख्याल है कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम ऐसे ही खड़ी होगी जैसे इस पिक्चर में गुस्से में खड़े हुए ना सबके सब और पीछे अमित शाह साहब तो मेरे ख्याल है वो तो बहुत ही गुस्से में मुझे लग रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरा ख्याल है अभी तक आप लोगों को इस बात की आदत हो जानी चाहिए कि हमारे यहाँ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं